गाइस कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आज का ब्लॉग है, मैं एक्चुअली क्या हुआ, सुबह सुबह आके घर में पहुंचा हूं। तो कटक में बहुत ही ज़्यादा गर्मी था, तो उस मुकाबले यहां पे गर्मी चलेगा, उतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन नॉर्मल है। मतलब कटक के माहौल से थोड़ा आराम है, यहाँ पर धूप में घूमने से भी उतना ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आ रहा है। मतलब आराम ज़्यादा दिक्कत, मतलब मैं जैसे फ़ील किया हूँ वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर उसके मुकाबले थोड़ा कम है। तो बस में जो आया, बस वाले भी अलग ही लेवल का। मतलब बस में आया, सोचा एसी बस है बोल के टिकट ले लिया, फिर जब बस में बैठा तो पूछा भैया एसी लगा दो, इतना गर्मी हो रहा है। तो बोल रहे कि भाई एसी ख़राब है, कैसा रखे हो एसी, बस है एसी ख़राब है। तो खिड़की खोल के बैठा था, तो लगभग जैसे मैं इधर अपना जो क्या बोलते हैं बलांगीर फिर नयागढ़ इधर से आके मैं आता हूँ, तो पापड़ांडी होकर आता हूँ, तो उस बस में आया था मैं। तो जैसे ही पापड़ांडी तक पहुंचा मैं, पापड़ांडी तक पूरा रोड में रात भर था, लेकिन पूरा हवा जो इतना गर्म हवा वहाँ पे बह रहा था, लेकिन जैसे पापड़ांडी क्रॉस किया अपने इलाके में जैसे घुसा तो ठंड हवा चल रहा था थोड़ा, तो अच्छा लगा, माहौल वगैरह बढ़िया है। और ये मेरा रूम, बहुत दिनों के बाद अपने रूम में आया हूँ, तो ये देख सकते हैं मेरा रूम, यह है ऊपर का। मम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ पर सब फेंक वगैरह दिए हैं, जैसे बुक्स वगैरह है, धूल वगैरह गिर गया है, बाकी इतना बचा है ये सेटअप वगैरह। तो फिलहाल सुबह जब पहुंचा, तो पहुंचने के बाद मैं सुबह सबसे पहले आके अपना गाड़ी देखा, गाड़ी को देखा, उसमें थोड़ा धूल मिट्टी वगैरह लगा था, तो बड़ा दुख लगा। तो उसको फटाक से पहले धो दिया गाड़ी को, फिर उसको ले गया था रिपेयरिंग करने के लिए। उसका सामने का जो टायर है उसका थोड़ा ख़राब हो गया था, तो नया टायर डलवाया और चेंज पैकेट भी नया लगवाया। तो अभी देखिए वीडियो पूरा प्रोसेसिंग का। Gracias.